सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप हाइडेक्स कैलकुलेटर हाइट जो ऐप है जहाँ से आप फोटोज वीडियोस को हाइट कर सकते हो उसी के रिलेटेड गाइस आज की वीडियो में आपको बताया हूँ। और यहाँ पे जो है भाई एक और नया फीचर निकल के आता है वो है गाइस एक्स कैमरा का। यहाँ पे गाइस आप हाइडेक्स ऐप में कैसे आप एक्स कैमरा यूज़ कर सकते हो और इसके एडवांटेजेस क्या है वो मैं आपको गाइस बताने वाला हूँ। तो जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आप अगर इस पिक को क्लिक करोगे तो ऐसे ऑटोमेटिकली ये जो है ऑटोमेटिकली इसी ऐप में गाइस सेव हो जाती है। अभी आप क्या करते हो गाइस कि आप यार अपने ओरिजिनल कैमरे से क्लिक करते हो और फिर जाके वहाँ पे सेव करते हो तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यही एक शॉर्टकट प्रोसेस है भाई कि आप जैसे कि इस कैमरे से आप क्लिक करोगे तो आप वहीं के वहीं ये ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा फ़ोटोज़ को, ठीक है। तो भाई मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, इस फीचर के बारे में बताने वाला हूँ गाइस। तो गाइस सर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रोज लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फ़ोन में और देख लेते हैं कि ये फंक्शन इसमें आखिर कैसे वर्क करता है। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे मैं अपने फ़ोन में आ चुका हूँ और यहाँ पे गाइस मैं हाइडेक्स ऐप को गाइस खोलता हूँ और यहाँ पे गाइस ये हाइडेक्स ऐप खुल रही है। आप जैसे कि आप देख सकते हो ये हाइडेक्स ऐप अभी खुल रही है और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है क्योंकि नेट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहता है। तो यहाँ पे मैंने खोला और ये मेरा पासवर्ड है कि नहीं, नहीं है ये मेरा पासवर्ड। तो शायद मेरा पासवर्ड क्या था, हाँ गाइस ये था मेरा पासवर्ड। अरे रुक जा भाई, ये था मेरा पासवर्ड। और अब आप देखिए गाइस, मैं आज से आपको बताता हूँ ये सामने, आप यहाँ देख सकते हो सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये यहाँ पे है प्रीवियसली कैमरा शॉर्टकट, ये आप देख सकते हो प्रीवियसली कैमरा शॉर्टकट लिखा हुआ है, इसको गाइस क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है एक प्रीवियसली कैमरा शॉर्टकट आपको जो है क्रिएट करना है। ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये एक अपने मोबाइल की तरह ये एक कैमरा है जो कि गाइस ये फ़ोटोज़ क्लिक करता है और ऑटोमेटिकली इसमें गाइस सेव कर देता है, ठीक है। तो आप मैं करूँगा क्रिएट शॉर्टकट में और यहाँ पे गाइस मैं अलाउ कर दूँगा और आप यहाँ पे आप देख सकते हो अपन एक्सपीरियंस अभी करेंगे। तो ये देखो यार, ये बन गया है यहाँ पे शॉर्टकट, ये आप देख सकते हो ये यहाँ पे गाइस शॉर्टकट बन चुका है, ठीक है। और अब हम इसको क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आप गाइस यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा आपको और अलाउ करने के बाद यहाँ पे इसका कैमरा गाइस देखो खुल गया है। अपन गाइस जैसे इसको क्लिक करते हैं, इसको मैंने जैसे क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ से भी इसको क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पर देखो गाइस कि मैंने इन दोनों को गाइस क्लिक कर किया है अभी और ये ऑटोमेटिकली गाइस सेव हो जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे बहुत जल्दी में क्लिक किया तो उतना अच्छा क्लिक नहीं हुआ। और इसके कैमरे की मुझे एक गंदी बात लगी, वो बात गाइस ये लगी है कि इसका जो क्वालिटी यार वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। पर आप जो है एक शॉर्टकट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, वीडियो भी गाइस आप बना सकते हो। ये देखो भाई, वीडियो भी आप गाइस एक इसमें जो है क्रिएट बड़ी आराम से कर सकते हो गाइस, ठीक है। वीडियो भी आप बड़ी आराम से इसमें बना सकते हो। और अब अपन इस ऐप में जाएंगे, तो ये देखो यार इस ऐप में मैं गया हूँ और इस ऐप में पासवर्ड डाल के इसको खोल देता हूँ। मैंने गाइस इसको खोल दिया है और यहाँ पे गैड आएगा जो कि मैं क्लोज़ कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे गैलरी में जाऊँगा गाइस, तो यहाँ पे गैलरी में जाने के बाद ये देखो गाइस, ये वाली फ़ोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है गाइस। और ये एक वीडियो मैंने बनाया था, वह वीडियो भी आप देख सकते हो, वो वीडियो भी खुद ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी और सेव भी हो चुकी। तो ये मुझे एक एडवांटेज लगा इसका और मुझे फंक्शन आपको बताना था। तो गाइस मैंने आपको ये फंक्शन बता दिया है जो कि बड़ा ही आसान है गाइस आप सबके लिए, ठीक है। तो गाइस देखा आपने कुछ इस तरीके से यार आप इसको बड़ी आसानी से फंक्शन कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो इस फीचर को हाइडेक्स ऐप में। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रोज लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।